नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पड़ोसी को स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमेज फाइल को हम टेक्स्ट फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास देखिए स्क्रीन पर इस तरह का इमेज फाइल होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेटर होते हैं या फिर बायोडेटा होते हैं या फिर कुछ इस तरह के इमेज फाइल आपने बना लिया है या प्रिंट करके रखा है, प्रिंट कर लिया है, उसमें कुछ आपको एडिट करना है, कुछ चेंजिंग करना है और आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है उसका, आपका उसका टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करते हैं, पूरा टाइप कराना पड़ता है। तो दोस्तों, टाइप कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और आपको मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जस्ट 1 से 2 मिनट में आप 2-3 पेज के भी इमेज फाइल को आप टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मैं इसके 3 तरीका बताऊंगा, 2 तरीका तो हमारा ऑनलाइन होगा और दोस्तों 1 तरीका मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो ऑफलाइन होगा। उसमें आपके पास इंटरनेट होने की कोई ज़रूरी नहीं है, इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो भी आपका इमेज फाइल आप आराम से टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास पेज हैं उसको स्कैन कर लेना है। आप कंप्यूटर प्रिंटर से भी स्कैन कर सकते हैं और आप चाहें तो मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। जब आपके पास ये स्कैन डेटा आ जाएगा तब इसको क्या करना है कि ये इसमें कंप्यूटर में आपको या लैपटॉप में जो भी आप यूज कर रहे हो वहाँ पर खोल लेना है उसको। अब जब ये खुल जाएगा तब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आना स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे आइएगा और यहाँ से आपको खोलना है वन नोट। दोस्तों यहाँ पे ऐसे नीचे आइएगा, अगर विंडोज 10 है तो, अगर विंडोज 7 है तो आप उसमें एमएस ऑफिस होगा, एमएस ऑफिस खोज लीजिएगा। एमएस ऑफिस जहाँ भी होगा यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसमें ढेर सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होते हैं, उसी में से होता है एक वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, इस पर ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों ये नया पेज खुल जाएगा, आप चाहें तो नया पेज यहाँ से भी ले सकते हैं, फाइल में जा कर के यहाँ से आप न्यू कीजिएगा। न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको स्टोर कहाँ करना है ये पूछेगा। मान लीजिए हम माई कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और एक नाम दे देते हैं, वन नोट करके दे देते हैं, वन नोट वन दे देते हैं। और ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो ब्राउज करके दोस्तों यहाँ पे आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट नोटबुक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्या कीजिएगा, आप इसे क्लिक कर लीजिएगा कि नया पेज आपका खुल जाएगा। अब ये नया पेज खुलने के बाद दोस्तों आइएगा इसके इंसर्ट टैब में, यहाँ पे देखिए कि इंसर्ट टैब है, इस टैब पर ऐसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके जस्ट नीचे देखिएगा स्क्रीन क्लिपिंग एक टूल्स है, बहुत ही मज़ेदार टूल्स है ये, और इस पर जो है क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पीछे में जो आप इमेज फाइल खोल करके रखे थे वो सामने दिखने लगेगा, हल्का सा ये धुंधला दिखेगा। दोस्तों आपको जितना डॉक्यूमेंट को आपको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइएगा वन नोट में और इस पर दोस्तों एक काम करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इस पर कहीं भी ऐसे राइट, देखिए ये इमेज फाइल है, अभी जो आया ये इमेज फाइल है, इस पर दोस्तों राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इस पर ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ रखना है यहाँ पर ऐसे क्लिक करके और यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक पेस्ट स्पेशल में इस पर क्लिक कीजिएगा, जो ये दिख रहा है लिखा हुआ, इस पर ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये इमेज फाइल थी, ये सारे इमेज फाइल को टेक्स्ट के रूप में आप देखिए यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको क्या कर लेना है, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको एमएस वर्ड खोल लेना है, जैसा कि आपके सामने एमएस वर्ड खुल गया है, इस एमएस वर्ड में आकर के आपको कंट्रोल भी दबा देना है तो पेस्ट हो जाएगा। जैसे ये पेस्ट होगा दोस्तों आपके सामने देखिए 2 फाइल आपका हो गया, एक ये इमेज फाइल, इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए, और ये देखिए आपके सामने जो आपका फाइल था ये देखिए आपके सामने आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बस केवल आपको क्या करना, पेज का सेटिंग करके आपको इसको प्रिंट कर देना है, या कुछ इसमें एडिट करना है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरह से आप एक इमेज फाइल को टेक्स्ट फाइल में बिना इंटरनेट के
आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मेरा है दो और तरीके हैं जो ऑनलाइन है, जो इंटरनेट के माध्यम से होता है और बहुत ही आसान है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें यह पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। और यदि कोई और भी वीडियो आपको चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग दूसरे तरीके की, और दूसरे तरीके के लिए दोस्तों आपको एक ईमेल आईडी से अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे सामने मेरा ईमेल आईडी लॉगिन हो गया है, इसमें दोस्तों आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप ड्राइव खोल लीजिएगा। ये जानते हैं आप ड्राइव खोल सकते हैं, ड्राइव यूज किए होंगे तो इनके बारे में पता होगा। यदि दोस्तों अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसे वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों ये जैसे ही आपका ड्राइव खुल जाएगा, आप आइएगा यहाँ पे न्यू पर, न्यू पर क्लिक करने के बाद फाइल अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फाइल अपलोड पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने डेस्कटॉप पर रखा हुआ इमेज होगा, जो भी जिस नाम से होगा आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओपन कर लीजिएगा। थोड़ी देर में आपके डॉक्यूमेंट के वेट के हिसाब से, कितने केबी का डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों ओपन विथ पर क्लिक करेंगे। ओपन विथ पर क्लिक करने के बाद गूगल डॉक्स पर आपको क्लिक करना है। इस गूगल डॉक्स पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ी देर में आपका कन्वर्ट होकर दिखाएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने जो है ये कन्वर्ट हो चुका है, और कन्वर्ट होकर के ऊपर में आपका टेक्स्ट फाइल आ गया है। टेक्स्ट फाइल के नीचे जैसे ही आप आइएगा, देखिए दोस्तों जो आपका इमेज फाइल था ये वाला सारा आपका टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों इसको आप यहाँ से क्या कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा ऐसे नॉर्मल कॉपी करके, और आप जा कर के एमएस वर्ड में पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कॉपी पेस्ट नहीं करें, यहीं से डाउनलोड कर लें, तो दोस्तों उसके लिए फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड .docx में इस फॉर्मेट में आपको क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं इसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे क्लिक करना है। प्लेन टेक्स्ट चाहते हैं नोट पैड में तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिकमेंडेड करूँगा, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। फिर MS वर्ड में आप उसको अपने पसंद से जैसा चाहिए वैसा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को बदल सकते हैं और जो भी करना है एडिट करके आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो तीसरा वे है, तीसरा जो तरीका है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे आपको खोलना पड़ेगा एक फ्री का टूल्स है, उसको जैसे कि यहाँ पर टाइप करना होगा ऑनलाइन OCR। दोस्तों इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप खोल सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन OCR पर क्लिक करके इंटर दबाएंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर पहला देखिए ऑनलाइन OCR.net है, इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपको उस पर क्लिक कीजिएगा ये आपके पास विंडोज खुल जाएगी। इसमें दोस्तों नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फाइल करने के लिए पूछ रहा है। इस सेलेक्ट फाइल पे यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, जहाँ आप फाइल रखे हुए हैं वहाँ से उस फाइल को ऐसे सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा ये थोड़ी देर में देखिए कि ये फाइल आपका इसमें आ जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि आपका जो इमेज फाइल है वो किस लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कौन से भाषा में है। फिलहाल मेरा जो इमेज फाइल वो इंग्लिश में है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश दे देता हूँ। और दोस्तों ये पूछ रहा है किस फाइल में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम टेक्स्ट प्लेन रखते हैं। टेक्स्ट प्लेन पर रख करके यहाँ पर कन्वर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्वर्ट पर क्लिक कीजिएगा थोड़ी देर में देखिए दोस्तों आपके सामने नीचे ये कन्वर्ट करके देखिए यहाँ पे एडिटेबल फाइल आपका एक देखिए टेक्स्ट फाइल दे दिया। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कॉपी करके और सीधा अपने MS वर्ड में जा करके पेस्ट कर करके आपको जहाँ भी एडिट करना है, और एडिट करके आप आसानी से बहुत ही कम समय में इमेज फाइल के टेक्स्ट को भी आप एडिट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों ये शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।